बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं कराची पहुंचा हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कराची की हमारे दोस्तों का जिन्होंने यहां पे इस्तकबाल किया और यहां पे आए। मकसद मेरा कराची का दौरे का जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जनाजे में मैं जाना चाह रहा था। परवेज मुशर्रफ साहब एक सर से पांव तक पाकिस्तानी थे और उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खदमात हैं। इंसान में गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत सारे उनके पाकिस्तान के ऊपर अच्छे काम हैं। जिस तरीके से उन्होंने 99 में नवाज शरीफ से जान छुड़ाई, यही एक बहुत अच्छा काम है उनकी मगफरत के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने यही जो काम किया था वही बहुत बड़ा काम है। और मैं ये आज हैरान हो जाता हूँ जब मैं अयूब खान के बतन से जन्म लेने वाली पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक के बतन से जन्म लेने वाली PMLN को कहता हूँ, को देख कहते हुए सुनता हूँ कि ये जी आमरियत है और आइन तोड़ा, इसलिए हम उनके जनाजे में शिरकत ना करें, उनके लिए दुआ ना करें। इन बेशरम लोगों को, स्पेशली ये जो दो नंबर रजा रबानी टाइप सारे इकट्ठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, और कितने छोटे दिल के आपके लोग हैं। और मैं इदारों का भी खैर इलाज है, ये जो इनको हर दफा हर 10 साल बाद हमारे सर पर बिठा देते हैं और फिर उनके साबिक आर्मी चीफ के साथ बारे में जो गुफ्तगू इन्होंने की, जो सेनेट में बेइज्जती की, जो आज मैं सुन रहा हूँ, ये इस पर क्या ही कहा जाए। इदारों हर इदारों में भी लोग बैठे होते हैं, वो हर 10 साल बाद इनको हमारे पे मुसल्लत करते हैं, फिर एंड के ऊपर इनसे ही जो है वो ख़राब होते हैं और फिर इनको वापस निकालते हैं। ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान में चल रहा है। और ये जो आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? क्या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों को बगैर वारंट के उठा के गायब किया जा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी आमिर रा 5 दिन से मिसिंग पर्सन है, लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल। और इससे आप वकीलों की जो लीडरशिप है उसका भी अंदाज़ा लगा लें। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठाया गया 4 बजे और बगैर वारंट के और उठा के ले गए, और अरेस्ट के 3 दिन बाद जो है वो डाल दिया, मेरे पे शराब का पर्चा भी डाल दिया। अब मैं बता दूंगा कि मैं किसके साथ बैठ के वहाँ पे, मैं फिर जाहिर है कि DIG वगैरह के साथ ही शराब पी सकते हैं, इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है 3-4 दिन के बाद। अब अगला पर्चा खैर चर्च का भी डाल दें, उसके बाद हेरोइन का भी डाल दें, तो बेशरम लोगों की हुकूमत है बुनियादी तौर पर इस वक्त। और आप देखिए कि आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। आज पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जरदारी, नवाज शरीफ और ये और जो लोग हैं जो आज पाकिस्तानियों पे टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का अब कह रहे हैं कि 20% से 33% बिजली महंगी हो रही है, परसों तेल की हालत आपके सामने है, अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं, इनको क्या हक पहुँचता है पाकिस्तान के लोगों से टैक्स लगाने का जब आपने अपने पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं? अपने हमारे वो भी पाकिस्तान के पैसे जो यहाँ से चोरी किए हैं वो उठा के बाहर ले गए हैं। हमारे 2 बुनियादी मुतालबे हैं, नंबर 1 ये नवाज, जरदारी और जो दूसरे ताकतवर लोग हैं उनके पैसे वापस लाए जाएँ मुल्क में, और दूसरा ये है कि उससे पहले यह है कि इलेक्शन कराए जाएँ पाकिस्तान में। ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स यहाँ पर आई हैं, आप देखिए उन केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स लगी हैं उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए अब तक, जो है वो उनके असासे डिक्लेयर नहीं हुए हुए। पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां, पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी, कारकुनान इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। शुक्रिया। नवाज चौधरी साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तनकीदों का शिकार नजर क्यों आती है पॉलिसी में? कई जगह आप कहते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, दूसरी जगह कहते हैं क्या आसा हाथ भी लगाया तो लगता लग जाएगा। दूसरा, बड़े नवाज ने कहा कि आप तो टक्कर के लोग कहते थे पुतू, लेकिन आप 2 दिन कैद काट कर आए तो रोने लगे। नहीं, ये बात ठीक है मरियम नवाज की। देखिए, इनका तो अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी तो वालदा की डेथ हुई, उन्होंने पार्सल कर दी। आबिद शेर अली की बीवी की डेथ हुई, उसने वहाँ से पार्सल कर दी। तो इनका अपने खानदानों से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पैसों का ही ताल्लुक है।
तो वो कह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमने भी 500-700 अरब रुपए कमा के जेल में गए हों तो हमारे हालात और होंगे, जिस तरह से ये गए हैं इनके हालात और हैं। बहरहाल हमें अपने खानदानों का, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें अपने खानदानों से मोहब्बत है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है। अगर शरीफ फैमिली को, जरदारी फैमिली को ये मामला नहीं है और उनके बच्चे उनको अपने नहीं लगते, उनके खानदान उनको अपने नहीं लगते, तो फिर उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। खान साहब बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। तो सब ये बता दें कि जिस तरह से अभी इंतकामी कार्रवाई है, जिनको तहरीक इंसाफ कहती है इंतकामी कार्रवाई है, तो कल आपको इकरार मिलता है इसी तरह से सियासी मामला तो इसी तरह से चलते रहेंगे, आप लोग वही करेंगे जो ये कर रहे हैं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। ये तो इनको ने तो देखा ना, जाली केसेस बनाने पड़ते हैं इनको। इनको तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75 साल की सबसे क्लीन गवर्नमेंट दी है पाकिस्तान को। एक क्या क्या इन्होंने नहीं ढूंढा, 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। इनके ऊपर तो जेन्युइन केसेस है, और वो भी हमारी को जाती लड़ाई नहीं है कि हमने इनको जेल ही भेजना है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, आप वो वापस करें, हमारी तरफ से अपने घरों में रहें, और जब वो पैसे वापस नहीं करेंगे तो जाहिर जेलों में जाएंगे। नवाज साहब एक फार्मूले, और आज शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात की है, उन्होंने कहा कि जो ईमानदार लोग हैं वो अदालतों में केस भुगत रहे हैं और जो करप्ट हैं वो हुकूमत में हैं। मैं शायद खान अब्बासी साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक। अच्छा, एक फार्मूले पे बात हो रही है कि इस साल इलेक्शन कराने के बजाय मौजूदा हुकूमतों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाए, इस फार्मूले को आप कैसे देखते हैं? ये जो भी ये राय देगा, जो भी अमल करेगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, और इंशाल्लाह ताला ये वो आर्टिकल 6 होगा जो एग्जीक्यूट भी होगा। इससे पहले तो पाकिस्तान में आइन से बगावत, आइन से जो ताराज करने के मुकदमे हैं वो अपने एंड तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये अगर ये जजेस के लिए भी जस्टिस मुनीर की मूवमेंट है, जो जज इसको एक्सटेंड करेगा वो जस्टिस मुनीर की तौर के ऊपर तारीख में उसको याद किया जाएगा, इसलिए जजेस भी एहतियात करेंगे मुझे उम्मीद है, और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अरे तो सब आपने ये कहा कि हम जाली मुकदमा या जो इस तरह के हम केसेस नहीं करेंगे, तो 15 किलो हीरोइन का केस भी आपके दौर में होता, वो क्या? वो थाना सनाउल्ला साहब जिनके साथ बैठे हुए हैं उनकी दोस्ती है, उनसे पूछ लें क्या हुआ। अच्छा, आज जो रजिस्टर्ड हुई है वो बोल पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, वो तरीके इंसाफ है, बाकी सारी तो ऐसे ही आने जाने वाली है, इनका क्या फर्क। थैंक यू।